अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले सरल भाषा में ये समझ लेते हैं कि अतिशयोक्ति क्या है। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय प्लस उक्ति, अत्यधिक कथन। इसके लक्षण हैं, जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी कि हम जब आम भाषा में जो बात प्रयोग में नहीं लाते हैं उस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इसका पहला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी में स्वर्ण जैसा गुण नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने साकेत अर्थात अयोध्या का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें यदि तो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई निशाचर भागी। प्रस्तुत उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगते ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना आदि बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। पंखुरी लगे गुलाब की, पर यही गात खरोट। गुलाब की पंखुरी से शरीर में खरोंच पड़ जाएगी, यह संभव नहीं है, लेकिन इस पद में ये कहा गया है। यहाँ शरीर की सुकुमारता की अत्यंत प्रशंसा की गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। वह शर इधर गांडिव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छन्न वैसे ही हुआ। जहाँ वाण का छूटना तथा सिर का गिरना एक साथ दिखाए गए हैं, जैसे ही वाण छूटा तो सिर कटा नहीं है, लेकिन इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्राण छूटई प्रथमई रिपु के रघुनायक, राम के बाण छोड़ने से पहले ही शत्रु के प्राण निकल जाते हैं, यानी कि बाण छूटा ही नहीं और शत्रु के प्राण निकल जाते हैं। ये एक तरह से असंभव बात है जो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बनती है। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। इसमें क्षितिज भाग दो के कुछ उदाहरण हैं, बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, इसमें रूपक अलंकार है। बादल गर्जो कविता में मानवीकरण किया गया है बादलों का। इसी प्रकार के अन्य पाठ हम पढ़ते रहेंगे, तो आप सभी पाठों का अच्छा सा निरीक्षण कीजिए, और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए।